कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुतर्रा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प सभा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव के सभी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने मैदान में उतर चुकी हैं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरकर आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के लक्ष्य को प्राप्त करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुतर्रा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विजय संकल्प सभा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कोरबा जिले के सांसद प्रत्याशी ज्योति नंद दुबे, पूर्व सांसद बंशीलाल महतो, पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े, कोरबा लोकसभा प्रत्याशी शिवरतन शर्मा, पूर्व विधायक लखनलाल देवांगन, करतला विधायक ननकीराम कंवर, जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी तथा सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में आए पदाधिकारियों ने अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों के ऊपर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने कार्यकर्ताओं को संकल्पित किया। लेकिन इस सभा में देखने वाली बात यह रही कि कटघोरा पूर्व विधायक लखनलाल देवांगन कुछ समय पश्चात मंच से चले गए एवं पाली तानाखार विधायक रामदयाल उइके इस मंची कार्यक्रम में कन्नी काटते हुए नदारद रहे और यह बात चर्चा का विषय रहा। अब तो ऐसे हो गए कि माई पिल्ला वो इचमन रहे, दूसर के नंबर है नहीं है, बाहर ले आई, अब माई पिल्ला रही। अरे तो यहाँ के मन का झंडा बैनर और डंडेज लगा दो का, सिर्फ तालीज बजाबो मालक पहनाबो का, कोरबा लोकसभा के मन मोराद से निवेदन है, प्रार्थना है कि कोरबा लोकसभा में सम्मानी नरेंद्र मोदी के हाथ ला मजबूत करे खातिर। कोरबा से जयप्रकाश साहू के साथ शशिकांत डिकसेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।